कॉल बिया मान लेनी कोयल बिया माई बाप के लगा रह मारतल मरबो कर फिर लौग त लैकन के लगता हमू मार आज ले लैक ना हम लैक हर ना कहलेन अथी ना कहले कि हर चाचा पितिया होना नाती पुता हम कहलेनो दादा हो दादा या नाती है नहीं समझत सुनल हम और दुखे चढ़ है मारस मारोसन आदमी हटा द हुए Hmm. मुँह हाँ। का चढ़ चहल मरल है हम आँखें से मै कह के आँख में से खून गिरत रहा है वो दुकान में भी आदमी बैठे हुए सब देखे थे उनको ठीक है वो यहाँ भी लेकर मारे थे वहाँ से भी मार लेके आ रहे थे हाथ में चार पांच लीडी पकड़े हुए वही पकड़े हुए थे वो लेके नहीं पकड़े हुए थे वही पकड़े हुए थे यहाँ लेके मारे फिर दरवाजे पर आके आपका दरवाजे हाँ, पे आकर के दरवाजे पर आके मारे नहीं दरवाजे पर रिपोर्ट कर रहे थे अभी हम मौजूद है गोपालगंज जिला के उसका गाँव प्रखंड के जलाल्दी टोला गाँव में और यहाँ पे एक इस तरह की घटना आई है कि एक पाँच साल की बच्ची को कुछ दबंग परिवार के द्वारा जो है लीची तोड़ने का इल्ज़ाम लगा करके जो है उसको इतना मारा गया है इतना मारा गया है कि वो लड़की जो है अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है और उसका इलाज जो है गोपालगंज में चल रहा है अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ परिवार मौजूद है पीड़ित परिवार है इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहते हैं उसको लेकर के ये क्या हुआ था किस तरह का घटना हुआ था तो हम तो नहीं थे मगर वो मार के उधर से लाए हैं Hmm. सब लोग देखे है उसको hmm. पूरे <coughs> दुकान में भी आदमी बैठे हुए सब देखे थे उनको ठीक है यहाँ भी लेकर मार रहे थे वहाँ से भी मार के लेके आ रहे थे hmm. हाथ में चार पांच लीडी पकड़े हुए वही पकड़े हुए थे बोले hmm. लेके नहीं पकड़े हुए थे hmm. वही पकड़े हुए थे, थे। यहाँ लेकर मारे फिर दरवाजे पर हमारा आके आपके दरवाजे हाँ, पर आकर दरवाजे पर आके मारे नहीं दरवाजे पर आके अति दे रहे थे रिपोर्ट कर रहे थे दरवाजे पे आकर धमकी भी दे रहे थे और रास्ते में मारे हैं और जहाँ मतलब जहाँ पे लीची का पेड़ है वहाँ पे वहाँ से भी मार के वो लाए हैं वो तो अभी लड़की का कंडीशन कंडीशन क्या है लड़की है लड़की सरकारी हॉस्पिटल में रात को एडमिट थे वो अब वो, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है, मगर उसको हम पानी चढ़ाया लगता है हमको तो कोई दुश्मनी तो नहीं न थी नहीं पहले से उनकी क्या कोई दुश्मनी उनकी नहीं थी मगर बच्ची से क्या दुश्मनी है बच्ची से इतना बड़ा बच्ची से क्या दुश्मनी है उनको दुश्मनी करना तो बड़े बड़े आदमी से दुश्मनी करो ना बच्चे छोटी बच्ची से क्या दुश्मनी करने का है वो की बच्ची है

तो तू माय बाप के लगा रहना लेके मारत ली मरबो कर फिर लगे आउ गई लैकन के लगता को हम मारे आज ले लैक ले ना हमारे लैक हमारा कहले हर चाचा पितिया हो और आना नाती पुता हम कहले हर दादा हो दादा या नाती है नहीं समझ सुनल और दुखे चढ़ाऊ है तो ओमन है मार मार आदमी हटा दहु आय हाँ दुकान लोग लाते मुँह चहल चल मरल हम हन आँखें मने नई नकबे मुँह में से खून गिरत रहाय दवाई चलिए हॉस्पिटल में भर्ती रातिए से भर्ती भी है मुँह रोकते नहीं खाए मनगर गौ गए जानजी केक्का नहीं खाए भाँ

मर उगे तो जगह पटको दुग तलोज पटकल तेंगे चौंरी कहती रह मोरना गो कोई मर ग तब उनका गाड़ी में राशा लागत आ देखकर बापर तो कौन हाल रहती भाड़ा लीसर ले। से लेकर कहा जानता रोशन वहाँ पे किस तरह की घटना हुई थी क्यों बच्ची को पाँच साल की बच्ची को क्यों इतनी बुरी तरह से पीटा गया वो गई थी उधर अब खेलने गई थी या फिर जो भी उधर गई थी ठीक है लीची तोड़ ली थी अब हमको मालूम नहीं है कौन तो हम तो देखे नहीं हैं और लीची का पेड़ है तो बहुत ऊंचा है ठीक है बच्ची तो ये थी इतना छोटी है और पेड़ बहुत ज़्यादा ऊपर है हम अभी जाके देखे थे ऊंचा है और वहाँ पर लिए ले आ रहे थे लीची और उसको हमारे बहन को भी लाए थे यहाँ पर और लिया के बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम किए तो हम उसको देखें उसके बाद से देखें कि पहले से उसको चोट लगी हुई थी पूरा मारे हैं तो लाल हो गए पीड़ भी लगी हुई है तो वही है सब अभी सरकारी हॉस्पिटल में है एडमिट है सि स्कैन डॉक्टर लिखा है तो हो रहा है दो बजे रिपोर्ट आएगा उसका सी स्कैन का बताया जा रहा है कि कान से ब्लड आया था और उल्टी भी हो रहा है लड़की को उल्टी हाँ ले नाक से आया था, था कान से आया था नाक से आया था और उल्टी हो रहा था रात में उल्टी हुआ है तो वहीं पे है अभी भी मेडिकल में है हॉस्पिटल में आपको क्या लगता है कि मतलब कोई लीची तोड़ने के लिए आम तोड़ने के लिए बचपन में सब आदमी करता है अगर कोई लीची भी मान लीजिए एक दो खाने के लिए तोड़ लेता है तो उसको उतना अरे नहीं, मारना नहीं चाहिए हम लोग खुद उसका इलाज करते हैं मारने तो नहीं चाहिए ना लीची के लिए और मान लीजिए अभी लीची मतलब उससे क्या होता है उतना मारना तो नहीं चाहिए लेकिन हम लोग खुद उसको देखते समझाते लेकिन मारना नहीं चाहिए उसको अभी हम उसी लोकेशन पर मौजूद है जिस लोकेशन पर बच्ची को मारा गया था आपको हम बता दे पाँच साल की बच्ची अब कितनी बड़ी होगी आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो लीची है आप देखिए कितनी हाइट है यहाँ पे पाँच फीट का हाइट पे होगा और पाँच साल की बच्ची वो है यहाँ पे कितनी हाइट पे कैसे पहुँचेगी एक बड़ा सवाल है और यहाँ पे अगर हम इस साइड में घुमा के बात करते हैं हम कैमरा मैन से बोलेंगे थोड़ा इधर घुमा के दिखाइए और पूरा विजुअल दिखाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि कितना हाइट में है और किस तरह से ये ये लड़की पाँच साल की लड़की अब इतना ऊपर कहाँ से पहुँचेगी और किस तरह से ये यहाँ पर लीची तोड़ेगी अब तो वो परिवार से जाएंगे और मिलेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर क्या सच्चाई क्या है और कोई अगर तोड़ भी लेता है तो ये लीची जो है एक लीची तोड़ने के लिए इतना बुरा मारना और इतना बुरा तरह से मारना कि नाक से ब्लॉड आ जाए और मुंह से उल्टी आए और सी टी स्कैन जैसी बात आ जाए ये कहीं ना कहीं समाज में दर्शाता है कि लोग कितने बड़े क्रूर हो गए हैं कि पाँच साल की बच्ची को भी इस तरह से नहीं बकस रहा है कि अगर कोई चला जाता है किसी का फुलवारी में तो इस तरह से जो है उस बच्ची को मारा जाए कि उसका ज़िंदगी मौत से लड़ने का हाल हो जाए क्या हुआ था किस तरह की घटना है या? ये ये घटना है कि हमारी भतीजी जो है वो गई थी उनके लीची के पेड़ के पे। उससे तो लीची के पेंट तो का पेड़ तो भेटा गया नहीं लीची का तो हाइट है हम देख के आए हैं अभी लोकेशन पर से देख के आए हैं और लीची का पेड़ तो हमारे हाइट का है लगभग पाँच फीट का है पाँच फीट से नीचे जो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा छोटा बच्चा तो उससे को वो तो नीचे गिरा हुआ था तो भी नहीं होगी मैं मानता हूँ <laughs> लेकिन वो यहाँ पे आके वो मारे हैं उसको <laughs> यहाँ पे आके हाँ घर तो के सामने घर के, के सामने नहीं? मेरे आके उसको मारे हैं <laughs> ये कोई नियम है मारा? इसके बाद बताया जा रहा है कि वहाँ भी मारे थे और रास्ते में भी मारे हैं <laughs> नहीं वहाँ नहीं मारे थे वहाँ से भाग चली आई थी यहाँ पे मारे हैं उसको हमारे लड़के का अभी हालत कैसा है अभी लड़की का तो हालत गोपालगंज में है वो तो आने के बाद मालूम चलेगा अभी दवा चल रहा है अभी से दवा दवा से दवा है 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 कब कब से है तो से से लड़की अभी गई 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 बच्ची वो कल शाम शाम को आपका क्या कहना है आपको भी कहीं ना कहीं ये इसको देखना है कि कोई पाँच साल की बच्ची किसी के बगीचे में चली जाती है तो उसको ऐसा व्यवहार उसके साथ नहीं कर दें कि जो है इंसानियत जो है शर्मिंदा हो जाए और इंसान भी देख करके शर्मा जाए कि एक लीची तोड़ने के लिए जो है एक बच्ची को इतना मारा जाए कि बच्ची मतलब जिंदगी मौत से लड़ने लगे और अब आपको बता दें कि बच्ची जो है शाम को हॉस्पिटल में गई है और अभी तक जो है अभी समय दस से ग्यारह बज रहा है और अभी तक बच्ची हॉस्पिटल में ही है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चोट लगा होगा और सी टी स्कैन जैसी बातें आ गई है और कि सी टी स्कैन भी उसका करवाया जा रहा है तो आपका जो भी प्रक्रिया होगी आप नीचे बताइएगा और इसको हम आगे नेक्स्ट अपडेट भी देंगे कि आगे क्या कुछ होता है उसकी जानकारी हम आप तक तो पहुँचाते रहेंगे आप देखते रहिए इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद